नमस्कार, स्वागतम, वेलकम, केम छो। मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं बच्चों दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चा, टुडे आई हैव ब्रिंग द टॉपिक यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस टर्न। प्रीवियस टर्न में बच्चों जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? साइंस का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नाउ द सेम टॉपिक, द सेम चैप्टर, नाउ इट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण का संतुलन जरूरी क्यों है। और आज के इस पार्ट 2 में बच्चों हम सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया, और इनका दैनिक जीवन में क्या यूज है, क्या उपयोग है, वो सारी बातें वी आर गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक वीडियो लेक्चर। बच्चा स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे बच्चा, शेयर कर दे। नाउ हम सब इस टॉपिक में बच्चों बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार? लुक एट द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस बच्चा, लुक एट द बोर्ड। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं, कितना यूज है, वो सारी बातें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो यहां पर दो रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र हमने किया है, आप ध्यान से देखिए, वन बाय वन चलते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होती है ये संयोजन अभिक्रिया? ध्यान दें, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंस कंबाइन टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस बच्चा, जब दो अथवा दो से अधिक अभिकारक या सब्सटेंस पदार्थ आपस में संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अगर हम डिफिनेशन करें तो ऐसा कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, कौन बच्चों? जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अगर मैं आपसे पूछूं अभिकारक कौन है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में संयोग करके, कंबाइन हो करके, क्या करके? संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब हम इसे कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दो या, ध्यान देना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बात को समझो, यहां जैसे समझो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक। मान लो यहां पर ए और बी क्या हैं? अभिकारक हैं, और इनसे एक नई चीज मिल रही है, और उस नई चीज को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो यहां पर दो अभिकारक हैं, ए और बी दोनों मिलकर के एकल उत्पाद सी का, मान लो क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। सीधे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करें, कोयले का दहन। कोयला सबको पता है, जब हम कोयले को जलाएंगे, जब कोयले को जलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर आप देखें C+O2=CO2। कोयले को हवा में जलाने पर, दहन करने पर, अगर हम बर्निंग ऑफ कोल की बात करें, कोयले को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं हवा की उपस्थिति में, तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ अभिकारक बच्चों कितने हैं? दो हैं। कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन, कोयला और ऑक्सीजन। हमको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो नई चीज़ बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो बच्चों हमको पता है कि यहाँ पे
कोयला और ऑक्सीजन क्या है, अभिकर्मक है, अभिकारक हैं, और कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक है, और उनसे कितनी चीज बन रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। नाउ जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, जल, तो H2 plus O2 equal to H2O, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक है, एक हाइड्रोजन और दूसरा कौन, ऑक्सीजन, ये आपस में संयोग करके एकल उत्पाद जल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। बुझे चूने का निर्माण, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, आपके बुक में एक्टिविटी भी दी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक आपको बीकर लेना है और उस बीकर में आपको ले लेना है क्या, बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हो, बाजार में सूखा चूना, खड़िया चूना मिलता है, जिसकी जिसका यूज लोग दीवार की पेंटिंग में, दीवार की व्हाइट वाश करने के लिए, पुताई के लिए भी करते हैं, और जो लोग पान मसाला खाते हैं, पान खाते हैं, पान में भी चूने का इस्तेमाल करते हैं, पान में चूना लगाते हैं, कभी कभी कोई भी और आपको चूना लगा जाता है, समटाइम्स वी हैव, कई बार हमने कहावत कहा है यार वो आदमी हमको चूना लगा के चला गया, तो ना वो चूना लगाना कहावत हो गई, अलग बात हो गई, यहाँ पान पे जो चूना लगाते हैं और दीवारों की पुताई में जो चूना इस्तेमाल करते हैं, वही बुझा हुआ चूना हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक बीकर लिया और बीकर में हमने थोड़ा सा क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, सूखा चूना, खड़िया चूना लिया, और इसमें हम डाल देंगे क्या, पानी। हम जैसे ही कली चूना, में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, शायद आपने देखा होगा कि कली चूने में जब हम पानी डालते हैं तो पानी बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, बीकर गर्म हो जाता है, बर्तन गर्म हो जाता है, उसके बाद हमें चूने का लिक्विड प्राप्त हो जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। यू कैन सी ऑन द बोर्ड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे चूने को जल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो बुझा हुआ चूने का विलयन हमको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, अब इसको यहाँ पर बिना बुझा चूना कह रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं, बुझा चूना, तो क्या इस चूने में आग लगी थी जो आपने बुझा दी? यस बच्चा, आग लगी ही थी। कैसे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था, इस कैल्शियम ऑक्साइड को, कली चूने को जब हम क्या करते हैं, बीकर में डालते हैं और उसके बाद उसमें पानी डाल देते हैं, तो पानी क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, उबलने होता है, गर्म हो जाता है। जल और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच, बिना बुझे चूने के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तेज़ी से पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो यानी गर्मी थी, अब पानी थोड़ी देर के बाद विलयन ठंडा हो जाएगा तो बुझा हुआ चूना मिलेगा, तो ठंडा हो गया तो बुझ गया। यस, इस तरह से लॉजिक आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की, यानी जो देखो यहाँ पर हम लोग कौन सा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, संयोजन। क्या है संयोजन अभिक्रिया, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब हम उसको बच्चों क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, यानी उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यस यू आर राइट, कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। यस, अब संयोजन के बाद जो दूसरी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जब एकल अभिकारक टूटकर दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब दो या दो से जब एकल अभिकारक टूटकर वियोजित होकर या विखंडित होकर, चाहे जो भी वर्ड आप यूज करें, सबका एक ही मतलब है, वियोजित होकर या क्या होकर, विखंडित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, सिंगल, दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान से समझें, उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चे, वियोजन अभिक्रिया। ध्यान देना,
जब एकल अभिकारक टूटकर वियोजित होकर या विखंडित होकर दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तब हम उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया। जैसे आप समझो यहाँ पे अभिकारक कितना है, एक ही है, और इससे जो उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। हम तो यही तो पढ़ रहे हैं कि जब एकल अभिकारक वियोजित होकर विखंडित होकर दो अथवा दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेन अ सिंगल रिएक्टेंस ब्रेक डाउन इंटू टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, जब एकल कौन बच्चा, अभिकारक रिएक्टेंट वियोजित होकर टूट करके क्या बनाता है, दो अथवा दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो यहाँ पर अभिकारक ए है, यह विखंडित होकर दो उत्पाद बी प्लस सी बनाता है। सीधा एग्जाम्पल, चूने के पत्थर का एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर को उष्मा देते हो, हीट करते हो, गर्म करते हो, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चूने के पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दिया, गर्मी दी, तो दो प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल गया। यस बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बिना बुझा चूना है। एक सवाल बनता है कि संगमरमर पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जो चूने के पत्थर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, वही संगमरमर पत्थर का, मार्बल का भी रासायनिक सूत्र कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने देखा एकल उत्पाद था, गर्मी देने से, हीट देने से, या विखंडित होकर टूटकर दो प्रोडक्ट बना लिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन या डीकम्पोजिशन। एक और एग्जाम्पल है, किताब में एक्टिविटी दी है कि आपको क्या करना है, एक छोटी सी जो आती है बॉयलिंग क्वथन नली, बॉयलिंग जिसको हमें उबाल सकते हैं, ऐसी ठोस होती है, ग्लास उसका मजबूत होता है, तो क्वथन नली में थोड़ा सा लेना है हमको फेरस सल्फेट। क्या लेना है बच्चे, फेरस सल्फेट लेना है थोड़ा सा 2 ग्राम तक, और उसको चिमटी से पकड़कर बुनसन बर्नर, स्प्रिट लैंप या किसी बर्नर पर हमको क्या करना है, गर्म करना है थोड़ा सा टेढ़ा करके, जिसका उससे धुआं डायरेक्ट हमारे ऊपर ना आए। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट गर्मी की वजह से, हीट की वजह से विखंडित होता है, और विखंडित होने के बाद फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो हरे रंग के क्रिस्टल में, हरे रंग के दानों में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं भी उत्पन्न होता है जिसकी महक को आप सूंघ सकते हो, यानी वियोजन अभिक्रिया को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो वह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है, ये कौन से रंग में कन्वर्ट हो जाता है, हरे रंग में, किसकी वजह से, क्योंकि फेरस सल्फेट क्या होकर, वियोजित होकर किस में कन्वर्ट हो गया है, फेरिक ऑक्साइड में, इसलिए इसके क्रिस्टल का रंग, दाने का रंग किस में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड बन गया है। ये ठोस अवस्था में होता है, बल्कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस अवस्था में, गैस क्या होती है, निकल जाती हैं, इसकी गंध को आपको सूंघ करके समझ सकते हैं। ओके, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ऐसे ही लेड नाइट्रेट के, लेड नाइट्रेट पदार्थ को PbNO3 होल टेकन टू, लेड नाइट्रेट को जब हम वैसे ही टेस्ट ट्यूब में, क्वथन नली में इसको हम गर्म करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। अब इस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, कौन सा, ब्राउन कलर का भूरे रंग का स्मोक, धुआं उत्पन्न होता है, जो दर्शाता है कि लेड नाइट्रेट का विखंडन होकर नाइट्रोजन डाई गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई है, ये दर्शाता है। यानी लेड नाइट्रेट को हीट देने पर वह विखंडित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस कौन से रंग का धुआं होता है, उनका भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है, वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। अब अगली बात है कि आप एक क्रियाकलाप दिया है, एक्टिविटी दी है
कि आपको एक मग लेना है प्लास्टिक का, उसकी तली में दो छेद करना है और उसमें दोनों प्लास्टिक की जो रिंग होल आता है उसे पहनाना है, और उसमें नीचे से क्या करना है, जो सेल के अंदर ग्रेफाइट आता है, टॉर्च का सेल देखा होगा, बैटरी का सेल, दो ग्रेफाइट को नीचे की तरफ से लगाना है और उसको वहाँ से जो नीचे का पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, उसको जोड़ देना है बैटरी के साथ। अब उसके बाद मग में क्या करना है, पानी डाल देना है, वाटर डाल देना है, और उसमें थोड़ी सी वो दो परख नलियों को उल्टा करके रख देना है, और थोड़ा सा उसके बाद क्या करना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा या नमक ऐसा थोड़ा सा मिला देना है, और उसके बाद बैटरी चालू कर देनी है। थोड़ी देर के बाद देखोगे, चूँकि परख नली जो उल्टी रखी है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो पानी वहाँ पर है, अभिक्रिया करेंगे बिजली के साथ, यानी जल के अणु का विभाजन होगा, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, वो एक्टिविटी आप क्रियाकलाप में देख लेंगे, लेकिन मूल जो बात है वो आप समझ लें कि जब जल यानी जो वाटर है, पानी है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकल अभिकारक है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, अलग हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है आपका ये पानी, और जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इसमें, तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाता है। ये अभी क्या कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक दो और एग्जांपल हैं इसमें, इसमें आप एक सिल्वर क्लोराइड वाला है और दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड वाला है। क्या है कि जब सिल्वर क्लोराइड को AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रख देते हैं, चाइना डिश में आप सिल्वर क्लोराइड ले लें और इस सिल्वर क्लोराइड को धूप में सूर्य प्रकाश में सनलाइट में रख दें, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, व्हाइट है, श्वेत है, और जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वह सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, विखंडित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, और इसका जो व्हाइट रंग है, श्वेत रंग है, वो धूसर रंग में, ग्रे रंग में क्या होता है, बदल जाता है, धूसर या ग्रे कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये सिल्वर क्लोराइड, यानी ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ है, इसको जब क्या करते हैं, क्रूसिबल में, कटोरी में रखकर सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में रखते हैं, तो यह सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, और सिल्वर का जो सिल्वर क्लोराइड का जो श्वेत रंग है वो धूसर रंग, ग्रे रंग में, सीमेंट के रंग में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ही सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप रखोगे तो सेम यही प्रोसेस होगा, वो भी ग्रे रंग में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, तब ये क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड जो श्वेत रंग का पदार्थ है वो धूसर रंग में, ग्रे रंग में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ सिल्वर और क्लोरीन क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं, विखंडित हो जा रहे हैं इस तरह से। और एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वैसे पदार्थ हैं, इनका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, किताब में हिंदी में लिखा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी, कौन सा फोटोग्राफी बच्चे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है क्या ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जैसे पदार्थ। एक नंबर में आता है सवाल कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन से पदार्थ का यूज होता है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, अब जैसे हमने बच्चों दो पढ़ लिया अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। जब एकल अभिकारक वियोजित होकर, विखंडित होकर, टूटकर दो अथवा दो से अधिक उत्पाद बनाए तो वो क्या हो गया, विखंडन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों इसी में दो बातें और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई रासायनिक, जितने भी टाइप्स की अभी आप रासायनिक अभिक्रियाओं पढ़ोगे, सब रासायनिक अभिक्रियाओं में एक दो कैटेगरी आपको मिलने वाली है कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए या जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या तो ऊष्मा हमें बाहर से देनी पड़ती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा ऊर्जा क्या हो, उत्पन्न हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो, देखो गर्मी उत्पन्न हो,
जैसे कोयले को आप जलाओगे, आपको पता है कागज जलाओ कोयला जलाओ, जब भी जलाओगे तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन साथ साथ में कोयला जलाने पर आपने देखा होगा भुट्टा भूनते हुए गर्मी भी उत्पन्न होती, हीट भी उत्पन्न होती, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो। आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड कली चूने को बिना बुझे चूने को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो गर्मी उत्पन्न होती है, बीकर एकदम से गर्म हो जाता है, तो यहाँ भी क्या उत्पन्न हो रही है, हीट उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसके निर्माण के साथ गर्मी भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। किसको कहेंगे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है, ओके। अगली बात, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। सी हियर, कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को विखंडित करना है तो हमें यहाँ क्या देनी पड़ रही है बच्चों, गर्मी देनी पड़ रही, हीट देनी पड़ रही, ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो चूने के पत्थर का विखंडन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में ऊष्मा का हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, गर्मी को देना पड़ रहा है। देखो जब उत्पन्न होगी गर्मी, हीट उत्पन्न होगी तो उसमें छिपी है, और जब हीट देनी पड़ेगी या हीट को शोषित कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगी, उसमें शोषी। ओके, अब जैसे फेरस सल्फेट में भी आपने देखा हीट देने पर या फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हुआ, वियोजित हुआ, तो यहाँ पर भी हमको ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। लेड नाइट्रेट का भी विखंडन ऊष्मा शोषी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको हीट बाहर से देनी पड़ रही है, जब ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा अभिक्रिया में लगेगी, गर्मी लगेगी, देनी पड़ेगी, तो ऊष्मा शोषी, और जब अपने आप रिलीज होगी, मुक्त होगी, तो ऊष्मा छिपी। अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जल के अणु को वियोजित करने के लिए हम यहाँ पर गर्मी की बजाय क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो ऐसा वियोजन जिसमें हमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, देखो जो वियोजन अभिक्रिया है, ये गर्मी, विद्युत धारा, सनलाइट, ये सब के आधार पर तीन कैटेगरी है। यहाँ पर चूने के पत्थर को विखंडित करने के लिए हम हीट या ऊष्मा दे रहे हैं, तो इस तरह के वियोजन को हम कहेंगे इस ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन हुआ बच्चों, ऊष्मीय वियोजन। यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं हमें जल के अणु को विखंडित करने के लिए, इसलिए ये कौन सा वियोजन है, विद्युतीय वियोजन। यहाँ सिल्वर क्लोराइड अणु को, सिल्वर क्लोराइड पदार्थ को सनलाइट में रख रहे हैं, तो वह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो रहा है, तो इस तरह से क्या दे रहे हैं, सनलाइट, प्रकाश दे रहे हैं, तो इस तरह क्या हो गया, प्रकाशीय वियोजन। कौन सा वियोजन हो गया बच्चों, प्रकाशीय वियोजन। इस बात को थोड़ा सा शॉर्ट में आप ध्यान में रखना, सवाल आ गया कि प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल दें, तो सिल्वर क्लोराइड अथवा सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट में रखते हो तो सिल्वर और क्लोरीन में, सिल्वर ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है, विखंडित हो जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में ऐसा हो रहा है, तो इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में हुआ, तो कौन सा वियोजन हुआ, प्रकाशीय वियोजन। ओके, यहाँ पर जल के अणु को वियोजित करने के लिए हम विद्युत धारा का इस्तेमाल रहे हैं, इसलिए क्या है, विद्युतीय वियोजन। और यहाँ पर चूने के पत्थर को तोड़ने के लिए हम ऊष्मा हीट दे रहे हैं, तो कौन सा वियोजन होगा, ऊष्मीय वियोजन। समझ में आई बात। अच्छा, अगर हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण की बात करें तो हम जानते हैं कि हमें हमारी बॉडी को ऊर्जा कैसे मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन को हम क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद पाचक एंजाइम्स की मदद से वो हमारे पेट में भोजन क्या होता है, पचता है। पचने के मतलब क्या होता है, सूक्ष्म स्वरूप में बदल जाता है, और वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, क्योंकि जो भी रोटी आपने खाई है, मतलब अगर चावल की बात कर लें, आलू की बात कर लें, ब्रेड की बात कर लें, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को
पाचन करने पर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सरल स्वरूप में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ग्लूकोज कहाँ पे पहुँच जाता है, सेल में पहुँचता है, कोशिका में पहुँचता है, और श्वसन से जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन सेल में जाती है और ग्लूकोज को बर्न करते हैं। जब ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो उत्पन्न होती है एनर्जी, ऊर्जा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा छिपी। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण में या उत्पाद बनाने के लिए बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़े, ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ओके, बात समझ में आई बच्चों? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी रासायनिक अभिक्रियाओं के, जिसमें हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उपचयन, अपचयन, और साथ में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रयोग क्या है वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बात को आपको ध्यान से समझना है और सीखना है कि कैसे हम यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया या जो दूसरी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है बच्चों, चले अब हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वो कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही आसान है विस्थापन अभिक्रिया, अगर डिफाइन करें कि इसमें क्या है, अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय पदार्थ में से, या ऐसा कह सकते हैं अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से कम सक्रिय तत्व का विस्थापन कर देता है। वर्ड पे ध्यान देना, विस्थापन अभिक्रिया की डिफिनीशन की बात करें तो अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से, वर्ड पे ध्यान देना, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से, कहाँ से, कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से कम सक्रिय तत्व का विस्थापन कर देता है, कम सक्रिय तत्व का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझे बात को, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से कम सक्रिय तत्व का विस्थापन कर देता है। इस बात को आप समझें, जैसे किसी बेंच के ऊपर एक कमज़ोर सा बच्चा बैठा है, एकदम दुबला पतला कमज़ोर सा बच्चा बैठा है, हो सकता है वो फर्स्ट डे आया हो, किसी हष्ट पुष्ट मोटे तगड़े बच्चे की जगह पे बैठ गया हो, उसको पता ना हो। एक दुबला पतला बच्चा एक बेंच के ऊपर बैठा है और दूसरा मजबूत बच्चा आता है और उसका हाथ पकड़ता और वहाँ से उसको हटा देता है और फिर जाकर उसकी जगह पे बैठ जाता है। वर्ड क्या है, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से कम सक्रिय तत्व का विस्थापन कर देता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उसके लिए बुक में एक क्रियाकलाप है कि हमको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब परखनली लेनी है और इस परखनली में हमको लेना है क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, तांबे के लवण का जली विलयन लेना है, दो परखनलियों में लेना है जैसा क्रियाकलाप में बताया गया है। तो दोनों परखनलियों में हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का जली विलयन लेना है। अब इस जली विलयन, एक परखनली को आप नाम दे दो ए और दूसरी को क्या दे दो, बी। नाउ अब क्या करना है, आपको तीन लोहे की कील लेना है, लोहे की कील आप समझते ही हैं, लोहे की कील लेना है तीन, और तीनों लोहे की कीलों को क्या करना है, आपको सैंड पेपर से घिस के क्या करना है, चमका देना है, यानी उसके ऊपर अगर लोहे ने ऑक्साइड बनाया है, जंग बनाया है, तो परत क्या हो जाए, पूरी तरह से साफ हो जाए, यानी एकदम सतह तीनों कीलों की क्या होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर दो जो कीले हैं, दो कीलों को परखनली बी में धागे की मदद से बांध कर क्या करना है, लटका देना है। अब परखनली बी में आपने क्या करा है कि दो लोहे की कीलों को कहाँ पे डाल दिया है,
कॉपर सल्फेट के जली विलयन में डाल दिया है और एक कील के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसको बाहर ही रखने दिया है। विलयन ए में भी आपने कुछ नहीं किया है। अब थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो कौन से रंग का होता है, नीले रंग का होता है। थोड़ी देर के बाद देखोगे ये जो विलयन का नीला रंग है धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा। कैसे पड़ने लगेगा, फीका पड़ने लगेगा, हल्का होने लगेगा। और इन दोनों लोहे की कीलों को जो परख नली बी में थी इनको बाहर निकालिए और आप देखोगे कि इन कीलों के ऊपर कुछ भूरे रंग की परस सी क्या हो गई है, जम हो गई। ये कलर कैसा हो गया, इनका ब्राउन कलर का हो गया है, जो तांबे का रंग होता है उस रंग की कुछ परत जैसी इनके ऊपर क्या हो गई, चढ़ गई है। इसकी तुलना जो ऑलरेडी पहले से परख नली है, इन परख नली से सॉरी ये जो पहले से लोहे की कील रखी है जिसको आपने कहीं नहीं डाला था उससे आप कंपेयर करें। इसकी सतह एकदम चमकीली श्वेत है और ये कैसे हो जाएंगी, ब्राउन रंग की। क्या हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर कील निकालने के बाद आप देखो ये विलयन का रंग एकदम नीला है और इसका विलयन का रंग एकदम फीका हो गया है, ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। क्या हुआ आखिर यहाँ पर, यहाँ पर कहानी क्या हुई कि हमने पढ़ा कि जब अधिक सक्रिय तत्व या धातु को, अब यहाँ पर जैसे क्या ली थी हमने, लोहे की कील ली थी, इस लोहे की कील को हमने कहाँ पर रखा था, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में डाला था। अब कॉपर सल्फेट के जली विलयन में जब हमने लोहे की कील डाली थी तो यहाँ पर जो आयरन धातु है वो तांबे से कहीं ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है। लात मारना जानते हो ना, किक मारना, कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, यस। आप क्या, यहाँ पे कहानी क्या हुई समझो, यहाँ पे जो आयरन मेटल है, जो लोहा है, ये कॉपर से क्या है, ज़्यादा सक्रिय है। कॉपर सल्फेट के जली विलयन में जब हमने डिप करी कौन सी, आयरन की कील, लोहे की कील, तो लोहे ने क्या किया, कॉपर को मारा एक लात और कॉपर उड़ करके यहाँ चला आया, कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह खुद ले ली, यानी यहाँ पर बन गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जली विलयन बन गया और तांबा क्या हो गया, अलग हो गया। समझो बात को, अधिक सक्रिय कम सक्रिय धातु के यौगिक में से, कम सक्रिय यौगिक में से कम सक्रिय तत्वों का क्या कर देती है, विस्थापन कर देती है, वहाँ से उसको भगा देती है, हटा देती है, उसकी जगह पे बैठ जाती है। कहानी क्या हुई कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उस विलयन में कॉपर और सल्फेट है, तो आयरन ने क्या किया कि कॉपर को उस विलयन में से, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा करके खुद यहाँ पर क्या आ गया, आयरन आ गया। वो कॉपर या तो आपको तली में छोटे छोटे दाने भी मिल सकते हैं और या तो वो कॉपर कहाँ पे जमा हो गई है, लोहे की कील के ऊपर क्या हो गई है, जमा हो गई। इसीलिए इसका रंग क्या हो गया, भूरे रंग की, ब्राउन रंग की इसके ऊपर परत जमा हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा कि अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से कम सक्रिय तत्व का क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा, अगर यही क्रिया को आप उलट करते, यहाँ पर आपने लिया होता कॉपर सल्फेट की बजाय फेरस सल्फेट का विलयन और उसमें तांबे की धातु डालते, तो कुछ भी ऐसी अभिक्रिया नहीं होती, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉपर कम सक्रिय है लोहे से, आयरन ज़्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। धातु की नंबर जो धातु वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे कि कौन सी धातुएँ कितना ज़्यादा सक्रिय हैं, धातुएँ या क्या करती हैं, अम्ल पानी हवा के साथ कितनी तेज़ी से कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं धातु की सक्रियता। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सारी धातुओं का क्रम है जो आप उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, मैं आपको बताऊँगा आपको ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के यौगिक में से कम सक्रिय तत्व का विस्थापन कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का ही एक दूसरा, उसका बड़ा भाई है द्विविस्थापन, वो भी समझ लें कि क्या है द्विविस्थापन, इसको हम लोग ध्यान दे लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द्विविस्थापन क्या है, ये भी एकदम आसान ही रिएक्शन है। द्विविस्थापन में, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है कि यहाँ पर भी एक टेस्ट ट्यूब परख नली लेनी है और इस परख नली में हमें लेना है बेरियम क्लोराइड का विलयन। कौन सा विलयन,
बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड का विलयन लेना है, और दूसरी परख नली जिसमें हमने लिया है क्या सोडियम सल्फेट का विलयन, कौन सा विलयन लिया है बच्चों सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट के विलयन को कहाँ पे डालना है बेरियम क्लोराइड वाली परख नली में डाल देना है। जब हम सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड वाली नली में डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि इसमें एक सफ़ेद सा अवक्षेप, इस तरह का बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है प्राप्त हो जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे आप समझो, सोडियम सल्फेट को आपने किस में डाला है बेरियम क्लोराइड में, सोडियम सल्फेट के विलयन को आपने किस में डाला है बेरियम क्लोराइड के विलयन में डाला है, तो हो क्या रहा है कि बन जा रहा है बेरियम सल्फेट का सफ़ेद चिकना अवक्षेप, और सोडियम क्लोराइड विलयन के रूप में कहाँ पर पड़ा हुआ है इस परख नली में पड़ा हुआ है। तो बेरियम सल्फेट का क्या मिल रहा है सफ़ेद चिकना अवक्षेप। अवक्षेप क्या है मैंने आपको लास्ट में पे बताया था कि अवक्षेप जैसे दही से छाछ बनाते हैं आपने देखा होगा, क्या करते हैं कि दही में थोड़ा पानी मिलाते हैं, मथनी से मथते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो दही से जब छाछ बनता है तो छाछ में बटर मक्खन क्या होता है ऊपर आ जाता है। मक्खन कैसा है ठोस है, यानी विलयन में क्या उत्पन्न हुआ है ठोस मक्खन उत्पन्न हुआ है, और वापस छाछ में घुलता क्या है नहीं घुलता है। तो ठोस अवस्था का जो बटर उत्पन्न हुआ है वो क्या है एक तरह का अवक्षेप है ना। वैसे ही जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो उन विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर विलयन में कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अवक्षेप प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर इसी तरह से जब हमने बेरियम क्लोराइड के विलयन में क्या मिलाया सोडियम सल्फेट को मिलाया तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप चिकना अवक्षेप हमको क्या हुआ प्राप्त हो गया। तो बेरियम सल्फेट का हमको सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो द्विविस्थापन हमें समझना है कि द्विविस्थापन क्या है। अगर हम समझें आयनिक यौगिक वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें समझें आपको समझ में आना चाहिए कि जो सोडियम तत्व है वो धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है, सल्फेट आयन क्या है ऋण आयन है, दो ऋण आयन होता है बेरियम के ऊपर दो प्लस धन आयन होता है और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस आयन होता है, दो का गुणा हो जाएगा दो हो जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि देखो ये सोडियम सोडियम आयन है और ये सल्फेट आयन है, ये बेरियम आयन है और ये क्लोरीन आयन। हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर बेरियम आयन है वो सल्फेट आयन के साथ, सोडियम आयन किसके साथ चला जा रहा है क्लोरीन आयन के साथ, यहाँ पर क्या बन जा रहा है बेरियम सल्फेट बन जा रहा है, और साथ में यहाँ पर अगला तत्व क्या बन जा रहा है सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आयनों धन ये प्लस आयन धन आयन है और ये क्या है ऋण आयन है, यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, आयनों की क्या हो रही है अदला बदली आदान प्रदान हो रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, सोडियम आयन किसके साथ अटैच हो गया क्लोरीन आयन के साथ, बेरियम आयन किसके साथ सल्फेट आयन के साथ, यहाँ पर आयनों की क्या हो रही है अदला बदली हो रही है आदान प्रदान हो रहा है, दो दो बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप कि आपको द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम सीखने वाले हैं बच्चों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है वो सीखेंगे। तो आपको आ गया अच्छे से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन और द्विविस्थापन। अब हम बढ़ रहे हैं इस चैप्टर को एंड करने की ओर, ख़त्म करने की ओर। बहुत ही जल्द ये चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा सून, और आप यहाँ पर सीख जाएंगे कौन सी अभिक्रिया, यानी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सारे टाइप सारे प्रकार आपको क्या है आ जाने वाले हैं। तो नाउ अब हम देखेंगे बच्चों कौन सी अभिक्रिया सीखने वाले हैं। यस, पांचवें टाइप की अभिक्रिया पे अगर हम चलते हैं तो हम सीखेंगे यहाँ पर उपचयन। उपचयन को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उपचयन, और उसके बाद
इसी का दूसरा भारी है अपचयन। अपचयन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिडक्शन। अपचयन और उपचयन, देखें समझे बात को। देखो अब एक एक्टिविटी है बुक में कि कॉपर तांबे के चूर्ण को एक चाइना डिश में लेना है और उसको बर्नर के ऊपर गर्म करना है। जब तांबे के चूर्ण को बर्नर के ऊपर हवा में गर्म करेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि तांबे के चूर्ण के ऊपर उसकी सतह पर काले रंग की परत जमा हो गई। सवाल आया कि आखिर ये काले रंग की परत क्या है? तो जवाब क्या है कि जब कॉपर को हवा में दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कॉपर के ऊपर, तांबे की सतह के ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसकी वजह से कॉपर क्या हो गया? काला हो गया। तो यहाँ पर तांबे को क्या कर रहे हैं? हवा की उपस्थिति में गर्मी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो काले रंग की कॉपर ऑक्साइड क्या हो रही है? बन जा रही है। काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बन जा रही है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले कुछ और हैं, क्या पढ़ने वाले? उपचयन ऑक्सीडेशन। देखो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, वर्ड पर ध्यान देना, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, किसकी वृद्धि? ऑक्सीजन की वृद्धि। कम टू द पॉइंट, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन या उपचयन। देखो कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या? नहीं। यहाँ उत्पाद बना तो क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन। जब पदार्थ में क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन बढ़ जाए। पहले देखो ऑक्सीजन कॉपर में नहीं था, लेकिन इधर पे ऑक्सीजन जुड़ गया। जब कॉपर का ऑक्साइड बना तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या उपचयन। जैसे कार्बन की, कोयले की हवा की उपस्थिति में दहन होगा, जलाओगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, यहाँ पर पदार्थ में ऑक्सीजन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या उपचयन। समझ में आई बात? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन या उपचयन। अब इसके एकदम उल्टा है रिडक्शन। ये जो गर्म कॉपर ऑक्साइड है, इस गर्म कॉपर ऑक्साइड की क्या करना है अपने को? इसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है। इस गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमें क्या प्रवाहित करना है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना है। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कॉपर ऑक्साइड की जो काले रंग की परत थी, ऑक्साइड इसका जो हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, वो दूर हो जाएगा और ये कॉपर भूरे रंग के तांबे में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर। अभिकारक क्या है? कॉपर है। और कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है यहाँ पर? कॉपर। तो आप क्या देख रहे हो? इधर पे ऑक्सीजन है और इधर पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। यस, पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। क्या बोलते हैं? अपचयन या रिडक्शन। क्यों ऐसा? देखो रिडक्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रिड्यूस प्लस एक्शन। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, रिड्यूस प्लस एक्शन। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, घटा देना, एक्शन का मतलब क्रिया, कम करने या घटाने की क्रिया। पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को अपचयन या रिडक्शन कहते हैं और पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। यस, अब एक और बात पर ध्यान दो, यहाँ हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है क्या? नहीं। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी ये अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? क्यों मैंने आपको दो बात बताया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी हो, एक अभिकारक में
ऑक्सीजन की कमी हो और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। एक अभिकारक में ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन उपचयन अभिक्रिया। यानी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को अंग्रेजी में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स कैसे? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में तो ऑक्सीजन की कमी और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम उपचयन अपचयन की यूनिवर्सल परिभाषा करें तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन उपचयन। पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की क्या हो? वृद्धि हो। पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब हम उसको क्या बोलते हैं? अपचयन रिडक्शन अभिक्रिया। पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी और दूसरे में वृद्धि हो तो उसे अपचयन उपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यस बच्चा, अब ये पूरी तरह का रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक छोटी सी बात कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का कुछ लाभ और नुकसान है। वो लाभ नुकसान क्या है? संक्षारण, कोरिजन। ये संक्षारण या कोरिजन क्या है उसको समझें। हमने देखा होगा कि जब हम लोहे की कोई नई वस्तु लाते हैं तो उसकी सतह कैसी होती है? चमकीली होती है। अब इस लोहे की वस्तु को थोड़े दिन तक हवा, पानी, नमी या खुले में रख देंगे तो थोड़े दिन के बाद इसके ऊपर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग गया। इस परत को हम क्या बोलते हैं? लोहे की जंग। तो ऐसी ही जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना है, ऐसी दूसरी धातुओं के ऊपर भी, दूसरे धातुएं भी जब हवा, नमी, जल और एसिड के संपर्क में आती हैं तो उनकी सतह पर भी कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। यानी जब कोई धातु जल, वायु, नमी, आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आती है, जब कोई धातु वायु, आर्द्रता या नमी, जल और अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसकी सतह संक्षारित हो जाती है और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा जो चांदी है, मेटल जो चांदी होती है, चांदी की सतह काले रंग की हो जाती है, हवा नमी के संपर्क आने पर उसकी सतह कैसी हो जाती है? चांदी काली पड़ जाती है। और आपने तांबे के ऊपर, चांदी का कलर लोहे के ऊपर तो भूरे रंग की जंग लग जाती है, ब्राउन रंग की, आपने देखा होगा जंग लगती है। चांदी जो होती है उसकी सतह कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है, काली हो जाती है। और आपने देखा होगा जो तांबे के बर्तन घर में पूजा के लिए इस्तेमाल होता है वो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है, हरे रंग की परत। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है तो आप उसको ठोक दो, झड़क दो जमीन में, तो उसकी जंग क्या होती? पपड़ियाँ निकल जाती हैं। क्या होता? लोहा मजबूत होता है, कमज़ोर होता है? यस, डेफिनेटली लोहा क्या होता है? कमज़ोर होता है। यानी जब धातुएं संक्षारित होती हैं, उनका संक्षारण होता है तो धातुओं की सतह कमज़ोर पड़ती है, पतली पड़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। अब इसको रोकना, जैसे लोहे का संक्षारण रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं? लोहे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? पेंट लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं और गैल्वनाइज करते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइज आयरन बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कार का ढांचा है लोहे के पतरे से बना हुआ है, उसको अगर पेंट ना लगाएं तो क्या होगा? डेफिनेटली उस पर जंग लग जाएगा। पुल का ढांचा, लोहे का जो पुल बनता है, वो सब चीज़ें, लोहे की जो भी चीज़ें हमें कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य होता है, हवा नमी के संपर्क रहने पर उसके ऊपर जंग लगती है और हर साल हमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और इससे बचने का तरीका क्या है कि इस पर हम क्या लगा दें?
पेंट लगा दें तो इसकी सतह को हवा के संपर्क में आने से हम रोक पाएंगे, नमी के संपर्क में आने से रोक पाएंगे, तो लोहे के ऊपर जंग नहीं लगेगी और नुकसान से हम क्या कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। नाउ अब उपचयन अभिक्रियाओं का एक और प्रयोग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये विकृत गंधिता क्या है, बहुत ही आसान चीज़ है। जब वसायुक्त चर्बीयुक्त तैलीय पदार्थ, जब तेलयुक्त या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तब उनकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं, यानी ये तैलीय पदार्थ खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इन तैलीय या चर्बीयुक्त खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, जो चिप्स बनाने वाले लोग होते हैं, वो चिप्स के पैकेट में से हवा ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसमें कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, जिससे जो आलू के चिप्स हैं वसा तेल में फ्राइड हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। आपने ध्यान से देखा होगा जो आलू के चिप्स पैकेट कुरकुरे होते हैं तो आप देखो तो पैकेट पूरी तरह से फूला हुआ होता है, जैसे उसमें बहुत सारा भरा हुआ, लेकिन वजन देखोगे तो बहुत कम है। क्या भरा होता है उसमें, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि वो कम सक्रिय है जो तेल चर्बी के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगी, तो वो तेल वाला खाना खराब नहीं होगा। उससे बचाने के लिए हम उसको एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ बना सकते हैं। एक और तरीका है कि हवा से बचाना है तो इन्हें एयर टाइट डिब्बों में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यस बच्चा, डेफिनेटली दिस चैप्टर हैज़ बीन इंडेड नाउ, ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर पूरा पूरा। पार्ट टू में हमने पूरा कवर कर लिया, दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू में हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। बच्चे वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों में शेयर भी कर दो यार, घंटी वंटी बजा दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।